राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कई जगह गिरे डंगे हर घड़ी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं और मतियाना के करीब धेन घाटी में 5 सालों से गिरे डंगों पर महकमा गहरी नींद सो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहाड़ी को चीरते ये खतरनाक रास्ते आपको सफर में रोमांच का एहसास करा सकते हैं, लेकिन यही रोमांच अगर आपकी जान का सबब बन जाए तो? जी हाँ, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खस्ता होने से ऊपरी शिमला के लोगों को रोजाना परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर ठियोग और मतियाना के बीच धेन घाटी में पिछले 5 सालों से डंगा गिरा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों बसें और मालवाहक गाड़ियाँ गुजरती हैं। कई अधिकारी और बड़े बड़े नेता गुजरते हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस डंगे के गिर जाने से साल भर में यहाँ कई हादसे पेश आते हैं। कभी गाड़ियाँ गिरती हैं तो कभी गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, जिसमें हरदम जान का खतरा बना रहता है। ये डंगा सर पिछले 5-6 सालों से हम तो ऐसा ही देख रहे हैं इस डंगे को, और बिल्कुल अंधा मोड़ है, और अंधे मोड़ पे बिल्कुल आगे से अगर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आए तो वो सामने से दिखती नहीं, और यहाँ पे बहुत ही काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई जान या माल की हानि ना हो, किसी गाड़ी वाले को कोई चोट ना आए, तो प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी इस डंगे को ठीक किया जाए। ऐसा नहीं है कि विभाग ने यहाँ डंगा नहीं दिया, लेकिन डंगे को गिरे कितने साल हो गए इसका उन्हें अनुमान नहीं है। रोजाना यहाँ जाम लगता रहता है, लोग विभाग से इस डंगे को ठीक करने की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सेब का सीजन शुरू हो चुका, सब्जियों का सीजन लगभग खत्म हो रहा है, और लोग एहसास में हैं कि कभी तो हालात सुधरेंगे। लोगों का कहना है कि विभाग डंगे ठीक करने के बजाय निजी कंपनियों को खुदाई करने दे रहा है, जिससे सड़क दिन ब दिन धस रही है। बरसात में कहां तो सड़कों की दुरुस्ती की जानी चाहिए थी, उल्टा प्रशासन ये सड़कें खोदी जा रही है बार बार। हर बरसात में यही ड्रामा चलता है। जिस तरह से जमींदारों के लिए आजकल हमारा सीजन चला है, सेब सीजन चलेगा, गोभी का सीजन चला हुआ है, आए दिन यहां पर हादसे होते रहते, पिछले साल भी यहां 2 हादसे हुए थे। ये सारा PWD विभाग इस बारे में कार्यवाही करे, ये सड़कें खोदी जाती है, उल्टा आजकल दुरुस्ती की जरूरत होती है PWD डिपार्टमेंट को। सड़कें हमारी दुरुस्त की जाए, तो पहली कच्ची सड़कें हैं, NH की हालत आप देखिए, यहाँ पर जगह जगह पैचेस डाले हुए, अभी ये लोग खुदान करेंगे और मैक्सिमम हादसे इसी वजह से होते हैं। यहाँ पर देखिए 3-4 सालों से ये डंगा, कोई PWD विभाग जो भी है, कोई भी सरकारी तंत्र यहाँ पर सुध लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिमला से नारकंडा तक कई जगह सड़क के डंगे खस्ता हाल हैं, और करोड़ों का कारोबार इन डंगों की वजह से खतरे की जद में, और हजारों यात्री हथेली पर जान लेकर इस रास्ते पर सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन विभाग कब जागेगा ये सब राम भरोसे है। जनता TV के लिए ठियोग से सुरेश शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।